हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? तो यार, आप सभी के लिए भाई एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि ट्रैकर्स ऑफ यूरोप 3 में नया अपडेट कब आएगा, उसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना, और भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपको जानकारी देने वाला हूँ। डेवलपर ने देखिए सर्वर पर यहाँ पे भाई अपडेट कर दिया है। लॉबी में आप देखिए वेटिंग फॉर बी ट्रेलर डबल ट्रेलर और वेटिंग फॉर सेकेंड एनिवर्सरी, यानी कि डबल ट्रेलर और सेकेंड एनिवर्सरी का वेट कीजिए। तो भाई सेकेंड एनिवर्सरी कब है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गेम रिलीज हुआ था ना, ये 19 जून 2022 को रिलीज हुआ था और 19 जून 2024 को इसको दो साल हो जाएंगे, यानी कि इसकी जो सेकंड एनिवर्सरी है वो 19 जून को है। तो आज 2 जून हो चुकी है। ठीक है, तो 19 जून को आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है भाई। और यहाँ पे देखिए डेवलपर का आपको मैसेज भी मैं दिखा देता हूँ। अपडेट आपको 19 जून को मिलेगा। ये तुर्किश लैंग्वेज में डेवलपर का मैसेज है, तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया था। अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे इस बार मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया ताकि मतलब आप भी अच्छे से पढ़ सको, मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए भाई, डबल ट्रेलर देर से है लेकिन यह तैयार है, यानी कि डबल ट्रेलर का वर्क है ना वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट में एक तो आपको डबल ट्रेलर आएंगे। ठीक है, और ये देखिए पहले से ये नई यातायात प्रणाली पर काम कर रहे हैं, यानी कि नई यातायात प्रणाली का मतलब है कि नया ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं डेवलपर। और उसके इसके अलावा मानचित्र और टूल बूथों पर भी वर्क किया जा रहा है। मानचित्र यानी कि नए मैप के ऊपर वर्क किया जा रहा है और टूल बूथ के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही सभी 9 लोग हैं, मतलब ट्रैकर्स ऑफ यूरोप 3 के यानी वांडा सॉफ्टवेयर में टोटल 9 लोग हैं। और 9 में से यानी कि वेपर्न, याल्किन, बर्टन, इस्माइल और शेर, ये तो ट्रैकर्स ऑफ यूरो 3 पे वर्क कर रहे हैं, और बाकी के 4-5 लोग मल्टीप्लेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेयर के भाई एक नए गेम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, उसके अंदर ही मल्टीप्लेयर आने वाला है। ठीक है, और वही मल्टीप्लेयर है ना, वो अगर बिल्कुल अच्छे से काम किया तो ट्रैकर्स ऑफ यूरो 3 में भी उसी मल्टीप्लेयर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेयर पे भी टेस्टिंग चल रही है। और उसके साथ यहाँ पे देखिए भाई, छुट्टी से पहले मिल सकता है कोई सरप्राइज। छुट्टी का मतलब है भाई 19 जून को ये सेलिब्रेट करेंगे ना, क्योंकि एनिवर्सरी है गेम की, तो 19 जून से पहले या फिर 19 जून वाले दिन आपको अपडेट मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, और या देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ एक डबल ट्रेलर लाना बेहद हास्यप्रद होगा, यानी कि सिर्फ एक डबल ट्रेलर ही नहीं आएगा। वेब ने कहा था कि एक डबल ट्रेलर लगभग 1 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यह कुछ अतिरिक्त चीज़ों के साथ साथ भी आ सकता है, यानी कि डबल ट्रेलर तो आएगा ही, उसके साथ भाई या तो हो सकता है स्मार्ट ट्रैफिक है ना, नया ट्रैफिक सिस्टम भी आ सकता है, या फिर टोल बूथ भी आ सकता है, या फिर नया मैप भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला अपडेट होने वाला ना, ये एक बड़ा अपडेट होने वाला है। इसके अंदर भाई एक से ज़्यादा फीचर, मतलब एक से भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। देखिए डबल ट्रेलर तो आएंगे भी, बाकी के और भी फीचर इसके अंदर आने की पूरी संभावना है, डेवलपर ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि इस अपडेट को काफी दिन हो गए, और ये वाला जो अपडेट है ना, एक बड़ा अपडेट होने वाला है। और भाई ये वाला अपडेट है ना, जहां तक मेरे को कंफर्म है ना, ये आपको 19 जून तक आपको, जहां तक हो सकता है 19 जून को ये अपडेट आपको मिले, या फिर हो सकता है 1-2 दिन पहले भी आपको अपडेट देखने को मिले। और डेवलपर जो टोटल वर्क कर रहे हैं ना, वो आप इसके अंदर देख लीजिए, डबल ट्रेलर और हाईवे एंड कंट्री टोल बूथ एंड एनिमेटेड रोड इवेंट मैप अपडेट कैबिन एक्सेसरीज न्यू ट्रैफिक सिस्टम एंड व्हीकल्स ड्राइवर बिजनेस सिस्टम और मल्टीप्लेयर अपडेट और गेम मोड। ठीक है, तो इन सभी फीचर्स के ऊपर डेवलपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो पहले अपडेट आएंगे वो आएगा डबल ट्रेलर, और उसी के अंदर हो सकता है टोल बूथ आ जाए, या फिर मैप आ जाए, या फिर न्यू ट्रैफिक सिस्टम आ जाए। ठीक है, तो यार अब आपको जल्दी अपडेट देखने को मिलने वाले भाई। और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।